वीरों की भूमि राजस्थान का मेहरानगढ़ किला। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की चिड़ियाटोंक पहाड़ी पर स्थित है। जोधपुर के किले का निर्माण जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने 1459 ईस्वी में करवाया। मोर की आकृति का होने के कारण इस किले को मयूरध्वजगढ़ या मोरध्वजगढ़ तथा गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। मेहरानगढ़ किला अपनी शानदार वास्तुकला और इसके साथ जुड़े विविध इतिहास के कारण जोधपुर में जगह का गौरव रखता है। राजस्थान के सबसे दुर्जय और शानदार किलों में से एक माना जाता है। मेहरानगढ़ किला राव जोधा द्वारा वर्ष 1459 में बनाया गया था। किला 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और जोधपुर शहर के बाहरी इलाके में 125 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया है। मेहरानगढ़ किले में 7 द्वार हैं, जिनका उपयोग मेहरानगढ़ किले में प्रवेश करने के लिए किया जा सकता है। ये 7 द्वार विभिन्न शासकों द्वारा बनाए गए हैं और बीकानेर और जयपुर सेनाओं पर जीत के सम्मान में बनाए गए हैं। मेहरानगढ़ किले में स्थित मुख्य महल मोती महल, फूल महल, शीश महल, जनाना डूर, तख्त विलास और झांकी महल हैं। किले के अंदर 2 मंदिर भी स्थित हैं, चामुंडी देवी मंदिर और नागनेचियाजी मंदिर, जो क्रमशः देवी दुर्गा और कुलदेवी को समर्पित हैं। मेहरानगढ़ किले का निर्माण मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के 15वें शासक राव जोधा ने सन 1459 ईस्वी में करवाया था। राव जोधा जोधपुर के महाराजा रणमल की 24 संतानों में से एक थे। पहले मारवाड़ का शासन मंडोर पर हुआ करता था, लेकिन महाराजा रणमल की मृत्यु के बाद मारवाड़ का उत्तराधिकारी राव जोधा को बनाया गया था, लेकिन कुछ समय बाद राव जोधा से उनका राज्य छिन गया। फिर राव जोधा ने लगातार कुछ वर्षों तक युद्ध जारी रखा और फिर से मंडोर पर अपना कब्जा कर लिया। तब राव जोधा को मंडोर का किला ज्यादा सुरक्षित नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने मंडोर से 9 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर किला बनाया, जो आज मेहरानगढ़ किले के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मेहरानगढ़ के किले में मां चामुंडा का एक भव्य मंदिर है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि जब राव जोधा अपनी राजधानी को मंडोर से जोधपुर स्थानांतरित किया था, तब वह अपने साथ दुर्गा माता की मूर्ति को भी ले गए थे। इस मूर्ति को मेहरानगढ़ किले में स्थापित किया गया था, जिसे आज चामुंडा माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के समय चामुंडा माता के मंदिर में भक्तों की लंबी लंबी कतारें रहती है। इस किले में आने वाला हर पर्यटक मां चामुंडा का दर्शन जरूर करता है। यह किला दिल्ली की कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है। मेहरानगढ़ किले की दीवारों की ऊंचाई 36 मीटर व चौड़ाई 21 मीटर है। इस किले की दीवारें 10 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस किले में बहुत से महल है, जो कि अपनी नक्काशी व महंगे आंगन के लिए प्रसिद्ध है। राजाराम मेघवाल नाम के एक व्यक्ति अपने प्राणों की आहुति देने के लिए आगे आए। तब राजाराम मेघवाल को एक शुभ दिन और एक शुभ स्थान पर जिंदा दफनाया गया, ताकि मेहरानगढ़ किले की नींव रखी जा सके। वहीं किले का अंतिम द्वार लोह पोल के बाईं ओर जौहर करने वाली रानियों के हाथों के निशान हैं। यहां 15 से ज्यादा रानियों की हाथों के निशान हैं, जिन्होंने 1843 में अपने पति महाराजा मान सिंह की मौत के बाद जौहर ले लिया था। किंवदंतियों की माने तो इस घटना से पहले भी 1731 में महाराजा अजीत सिंह की 6 रानियों और 58 पटरानियों ने राजा के निधन के बाद जौहर कर लिया था। मेहरानगढ़ दुर्ग में लंबी दूरी तक मार करने वाली अनेक तोपें रखी हुई है। दुर्ग की प्राचीर पर ब्रिटिश काल की तोपों का संग्रह एकत्रित किया गया है,
था। इस दुर्ग में गुब्बार तोप भी दौलत खाने में रखी हुई है, जो दर्शनीय मानी जाती है। किलकिला तोप सूबेदार राजा अजीत सिंह के समय में निर्मित करवाई गई थी। यह तोप अजीत सिंह ने 1715 में विजयराज भंडारी के माध्य से अहमदाबाद से 1400 रुपए में क्रय करवाई थी। यह दुर्ग वीर दुर्गादास की स्वामी भक्ति का साक्षी रहा है।